वायलेंस वायलेंस वायलेंस। बंगाल में तीन ही चीज़ होती है, वो है वायलेंस। बंगाल लव वायलेंस। तो सेंट्रल फोर्स जाकर भी क्या करेंगे, आप ही बोलेंगे क्या डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बंगाल में पहली बार हो रहा है क्या? एक्चुअली बंगाल में डेमोक्रेसी कभी था या नहीं? उन सब के लोग जो हिंदुओं को मार रहे थे हर बात पर, इन अपन सब लोग जब बात आई तो ब्रिटिशर से नहीं लड़े, भाग गए रशिया और फिर बुद्धिजीवी बन के यहाँ पे आ गए। पॉइंट आती है हिंदूज भी कम्युनिस्ट बनना। नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विस्ट। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। बंगाल में तीन ही चीज़ होती है, वो है वायलेंस। बंगाल लव वायलेंस। बंगाल एक ऐसी राष्ट्र है जहाँ पे चाहे पंचायत इलेक्शंस हो या असेंबली इलेक्शंस हो, साधारण जनता का जान चले जाना है तभी इलेक्शंस परिपूर्ण होते हैं, नहीं तो टीएमसी के कांग्रेस या कम्युनिस्ट कोई नहीं मानते वहाँ पे इलेक्शंस चला। आज उनका पंचायत इलेक्शंस का रिजल्ट है, 43 लोगों का जान जाने के बाद आज रिजल्ट है। ऑफकोर्स टीएमसी लीड कर रही है, जो टीएमसी कम्युनिस्ट को इसी बात पर अटक के टीएमसी बन के आई वही बात पे चल रही है। तो क्वेश्चन आती है क्या डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बंगाल में पहली बार हो रहा है क्या? एक्चुअली बंगाल में डेमोक्रेसी कभी था या नहीं? तो पहले ये होता है कि कहाँ है वो रेड बिंदी ब्रिगेड जो हर बात पर अपना प्लकार्ड लेकर घूमती है, और कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हर बार आती है? जो 43 लेफ्ट चली गई तो क्यों इतना खामोश सन्नाटा क्यों चाहिए हुई है? तो इसका बात जानना है तो हम लोग एक बार बंगाल का आइडियोलॉजी, उन लोगों वहाँ पे जनता कैसे जीते हैं ये सब जानेंगे। तो आप सेंट्रल फोर्स जाकर भी क्या करेंगे, आप ही बोलेंगे। और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बंगाल आज नहीं हुआ सर, एक्चुअली बंगाल में डेमोक्रेसी कभी था ही नहीं जो आज मर जाएगी। तो ये सब जानना है तो आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए एक्चुअली क्या हो रहा है बंगाल में और क्यों सेंट्रल फोर्सेस क्यों नहीं गए, तो वहाँ पे जाकर किस पर एक्शन लिए, ये सब जानना है तो आपको ये स्टोरी सुनने की ज़रूरत है। पे अटेंशन, ये बंगाल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। 1905 में जब बंगाल डिवीज़न हुआ तब हम लोग ने हिंदूस ने कुछ सबक नहीं सीखा, क्योंकि ढाका का जो नवाब था नवाब सलीमुल्लाह खान, उसने तो बंगाल डिवीज़न को एक्सेप्ट किया। तो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल आइडिया तो कामयाब हुआ, ऑपरेशन सक्सेस था मगर पेशेंट अलाइव, क्योंकि 1911 में फिर से बंगाल एक हुई। तो मगर हिंदूस को जो झटका लगा उनसे वो सबक नहीं सीखे, उड़ीसा बिहार बंगाल सब डिवीज़न हो गए, माइनॉरिटी में बंगाली चले गए, फिर भी वो लोग सबक नहीं सीखे। मीन्स सबक ना सीखने की वजह भी है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को हम खो देना ये बहुत बड़ा झटका था। तो इसी रूल को ब्रिटिशर्स ने फिर एक बार जिन्ना के द्वारा अप्लाई किया तो वो सक्सेस हुए। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, ऑपरेशन सक्सेस थी, प्रेशन डेड, इंडिया का पार्टीशन हो गया। तो ये सारा सीन मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये पंचायत इलेक्शंस के क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है प्लीज़ आप एक बार टाइमिंग पर गौर कीजिए तब आपको पता चलेगा। 1905 बंगाल डिवीज़न, तब मुस्लिम सारे ढाका से नवाब सलीमुल्लाह खान से एकीभव हो गए, उन लोगों को डिसीजन पसंद थी, मगर बंगाल के हिंदू जैसे वजह से जो वंदे मातरम का जो एनलाइटमेंट हुआ, जो फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दी था, वो उससे फिर से 1911 में एक हो गए। मगर 1914 से वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी, वहाँ पे ही ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिशर्स का बीच में जो कैलिफेट मूवमेंट हो रही थी, गांधी के खुदगर्जगी की वजह से जो ब्रिटिशर्स ने चाहा वैसे ही किया, और उसको खलीफत मूवमेंट करके मुस्लिम्स को फ्रीडम स्ट्रगल में रहने से कुछ फ़ायदा होगी ऐसा खुदगर्जगी से खलीफत मूवमेंट का नाम दिया। तब 1920 टाइमिंग देख लीजिए, 1920 में मलाबार में एक ही कैश ब्राह्मण कम्युनिटी का सब सच्चा नाश कर दिया, ये वायलेंस तो कुछ भी नहीं, वहाँ 10,000 फैमिलीज उजड़ गए, बहुत सारे लोग मर गए, गांधी चुप थे। तो ये टाइमिंग देखे तो 1920 में मुस्लिम्स लीड थे, ब्रिटिशर्स लीड थे,
तो ये दोबारा हुआ हिंदू पर हैक अटैक, हम लोग सबक नहीं सीखे। दोस्तों टर्निंग पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, 1906 जिनिया कांग्रेस ज्वाइन होता है, 1917 में मुस्लिम लीग में ज्वाइन होता है उन्हों, 1920 में मलाबार कोस्ट में हिंदुओं का कत्लेआम होता है और गांधी चुप रहता है, और वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर कैलिफेट में ख़त्म होने पर ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग में थे कि यहाँ पे भी मुस्लिम्स को फुल सबक सिखाएंगे ताकि फुल ब्रिटिश प्रोविंस इंडिया को बना देंगे, ऐसा सोच रहे थे। तब इन लोगों ने कांग्रेस का ये लोग आइडिया ऐसा दिया कि जहाँ पे भी ब्रिटिश जा रहे थे वहाँ के बुद्धिजीवी जो कहलाते हैं वो लोग सब भाग कर रशिया भाग गए। तो आज आप ये टर्निंग पॉइंट आप भी देख लीजिए, तब से लेकर आज तक बंगाल, केरला, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश ये सब एरिया में जो भी कम्युनिस्ट मुस्लिम्स कहलाता है वो लोग क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग इस आइडिया पे चले गए कि रशिया ने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, तो 1917 में जब रशिया में ही खुद ही अपना रशियन रेवोल्यूशन हो रहे तो रशिया ने बैक कर ले लिया अपने अपना सपोर्ट इस वर्ल्ड वॉर वन में, तो जर्मनी जीत गई। मगर जो रशिया भाग गए ये इसलिए भाग कर वहाँ से फिर से लौटे इंडिया में बुद्धिजीवी बनकर, तब से इस स्टेट्स में कम्युनिज्म पहनी। ब्रिटिशर्स ने भी इस कम्युनिस्ट को जाने दिया, तब ऐसे बच गए ये नपुंसक के लोग जो हिंदुओं को मार रहे थे हर बात पर। ये नपुंसक लोग जब बात आई तो ब्रिटिशर्स से नहीं लड़े, भाग गए रशिया और फिर बुद्धिजीवी बन के यहाँ पे आ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब बंगाल कम्युनिस्ट के नाम से जाना जाती है, नहीं मुस्लिम से, क्योंकि बंगाल का डिविजन हो गया, बांग्लादेश बन गया, इसलिए मुस्लिम्स का कुछ लेन देन नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। सारे जो मुस्लिम्स कम्युनिस्ट है वो लोग रशिया भाग कर आने वाले हैं, वो डरपोक लोग हैं। तो ये थी ये बंगाल का आइडियोलॉजी। पॉइंट आती है हिंदूज भी कम्युनिस्ट बनना, ये कम्युनिस्ट इसीलिए तो ये लोग जब ब्रिटेन आए थे ये बुद्धिजीवी बन के, ये कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट मिलकर, तो ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली रशिया से आने वाले कम्युनिस्ट को कुछ नहीं बोलती थी, तो ये एक ऐसा बना दिया। तो इन लोगों को प्लान को भी ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, तो ये मुस्लिम्स कम्युनिस्ट के द्वारा एक और एक चाल चली डिवाइड एंड रूल के बारे में। ब्रिटिश ने ये कह दिया कि चलो आपको छोड़ देती हूँ बोल के कम्युनिस्ट को छोड़ देने का एक आइडिया बना दी, मगर ये पीछे का आइडिया था कि ये इंडिया का पार्टीशन करे, तो उन लोगों का 1905 से यही चल रहा था। तो ये वर्ल्ड वॉर वन से जब ब्रिटिश हार गए तो ये लोगों को डर लगा अगर इंडिया में भी रेवोल्यूशन आया तो हम लोग चले जाना है तो पार्टीशन करके जाएंगे। तो ये प्लान बी को ये एस्टाब्लिश करते हुए कम्युनिस्ट को छोड़ देना, और इवन यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी को ये लोग बुद्धिजीवी यहाँ के आकर नेशनलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट बना दिया। जब बोस जी ही कम्युनिस्ट बने गए तो सारे बंगाल के वासे खुद को कम्युनिस्ट समझने लगे, यहाँ से शुरू होती है कम्युनिज्म बंगाल में। अलियास गांधी जी का नेहरू का जो क्रिएट हुआ एक क्लब कम्युनिस्ट क्लब, जिसमें बोस को भी उन्होंने कम्युनिस्ट बोल के प्रोजेक्ट किया, वरना वो नेशनलिस्ट को कम्युनिस्ट बनाने में इतना सक्षम हुए, इतना सक्सेस हुए कि आज बंगाल पूरे लोग खुद को कम्युनिस्ट बोल के समझते हैं। इसीलिए वो लोग एक स्वतंत्र देश समारोह में आगे चलने वाले एक बंगाल अब उसका उज्ज्वल भविष्य ऐसा वायलेंस में गिर गया, तो यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं। और यहाँ पर ये क्लेम करते हैं बांग्लादेश डिवाइड होने के बाद बंगाल में मुस्लिम माइनॉरिटी है, नहीं मुस्लिम्स हर एक जगह पे है, विद इन योर कम्युनिटी में भी है, विद इन योर आइडिया में है, विद इन योर हर चीज़ में, इलेक्ट्रॉल में भी उनका ही राज चलती है, ऐसा बना बंगाल कम्युनिस्ट साइड। तो बात आती है थर्ड पॉइंट आती है सेंट्रल एक्शन क्यों नहीं लेती है? आपको एक एग्जांपल दिखाते हूँ, अगर सेंट्रल फोर्सेस गए तो भी वहाँ पे क्या किस पर एक्शन लेना है, कुछ एक्शन लिया तो माइनॉरिटीज आ जाते हैं,
ये इन्फिल्ट्रेटर्स और इससे भर जाने वाले बंगाल कम्युनिज्म में तो एक्शन किस पे ले, ये सब अब हम जानेंगे। कम्युनिस्ट का राज चल रही थी तो नहीं तो कांग्रेस का राज चल रही थी, अब तो टीएमसी का वो कांग्रेस का ही चमचा राज है, वो चमचा राज चल रही है। तो ये तो वहाँ तक अच्छा है, मगर ये टीएमसी का ये ममता बनर्जी तो पूरा बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने का वो साजिश बना रही है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एनआरसी लाने का कोशिश करने पर ये लोग ही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। क्यों बोले तो आप एक बार ये फोटो देख लीजिए, इसका नाम है सद्दाम उल हक। 1979 में ये बांग्लादेश से भागकर इंडिया में एक इन्फिल्ट्रेटर की तरह यहाँ पे भागकर बैठ गया। ये 1990 तक 4 शादियाँ की, इसका 36 मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं, तो बेटे बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों को 17 मेंबर्स गर्ल्स है, औरत बच्चियां हैं, 17 मेंबर्स मर्द बच्चे हैं, इन दोनों का शादी किया। तो कुल मिलकर ये 2022 में ये सद्दाम फैमिली का अकेला वोट, इन्होंने आधार कार्ड ले लिया, वोटर आईडी ले ली, तब से लेकर बैठ गया। तो इसका फैमिली उन बच्चों को भी शादी हुआ। एक अकेला सद्दाम नहीं है, इसका 200 वोट्स नहीं है, ऐसा सद्दाम जैसे लोग बंगाल में 50 लाख मेंबर्स इन्फिल्ट्रेटर्स है। और यही ममता बनर्जी एनआरसी को और सीएए को रोकने पर तुली हुई है, क्योंकि ये सद्दाम जैसे लोगों को ये लोग ईच मेंबर को 500 रुपीज़ वोट देकर इन लोग वोट बैंक बनकर रखे लिए है। इसीलिए ये इस्लाम स्टेट बनने की पूरी आशंका है और इसीलिए एनआरसी को रोक रहे हैं। तो सेंट्रल फोर्स जाकर भी क्या करेंगे, किसको मारेंगे, किसको रोकेंगे, ये वो इन्फिल्ट्रेटर है या किसी अपीजमेंट के वजह से वो रॉन्गली वोटर आईडी कार्ड लिया है, या कैसे मालूम चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो जब तक एनआरसी लागू नहीं होती, बंगाल में हर इलेक्शन में वायलेंस होना, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी होना अनिवार्य है, ये आप लिख कर रख दीजिए। बंगाल की स्टोरी, होप आप सबको भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। आपसे फिर एक वीडियो में मिलने तक आप देखते रहिए जस्ट भारत। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।